हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी जो फतेहपुर से सांसद हैं भाजपा की और MOS हैं फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। मैंने आपको बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आपकी शुरुआत तो विश्वेंद्र परिषद से हुई थी और आपने अपने क्षेत्र में गरीबों और बच्चों और एजुकेशन आदिवासियों के लिए काफ़ी काम भी किया है और उसी कारण आप आज मंत्री पद पर पहुँचिए, तो उसके लिए आपको बहुत बधाई है। मतलब सवा चार साल हो गए भाजपा की सरकार को, तो जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका कितना लाभ आपके क्षेत्र को मिला है? देखिए, आज़ादी के बाद से यदि हम तुलना करें सवा चार साल और 50 साल, जितना उनके साल हुए हैं उतने हमारे महीने हुए हैं काम करने के लिए। फिर भी मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार 4 साल से काम कर रही है, पहला भाषण उनका था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर इनके लिए समर्पित है और वो हमारी सरकार ने करके दिखाया है। मैं इतने कह सकती हूँ कि जिस तेज गति से हमारी सरकार ने काम किया है, शायद आज़ादी के बाद से इतनी तेज गति से काम हुआ होता, आज जो राहुल गांधी किसानों की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, थोड़ा अपनी सरकारों की तरफ उलट के देख लें। इन्हीं के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी कहा करते थे कि केंद्र से 1 रुपया चलता है और जनता तक 15 पैसे पहुंच पाता है, ये उनके लोग कहते थे। आज ये नहीं कोई कह सकता। आज हमारी सरकार ने पूरी पारदर्शिता से काम किया है, हर मंत्रालय ने, उसमें कोई कहीं एक क्लेम या कोई इल्जाम भी नहीं लगा सकता कि हमारी सरकार ने कहीं भ्रष्टाचार किया है। दूसरा, हमारी सरकार, हमारे पंडित दीनदयाल जी की जो सोच, डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जो सोच, उस सोच के आधार पर हमारी सरकार ने उन गांव गरीब जो छत के बिना बरसात में रहने के लिए उसके जगह नहीं होती थी, उसको छत देने का काम किया। गांव की गरीब महिला जो स्वयं सक्षम नहीं थी कि गैस सिलेंडर खरीद सकें, उसके आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सक्षम व्यक्तियों से आह्वान किया, उन्होंने सब्सिडी छोड़ी और वो सब्सिडी हो सकता है कि और कोई सरकार होती तो खजाने में डाल लेती, उस सब्सिडी को हमने उनको दिया, उन गरीबों को दिया, उन मजबूरों, बिल्कुल जो खरीद नहीं सकते थे। मैं देखती हूँ कि जब मैं गैस सिलेंडर बांटने गई तो कई ऐसी महिलाएं, जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा हमारी आंखें तो लकड़ियों के चूल्हों में बर्बाद हो गई, लेकिन कम से कम हमारी बहू और बेटी के लिए ये अच्छा होगा। यदि हम 4 साल का कार्यकाल रिकॉर्ड उठा करके देखें तो मुझे लग रहा है कि एक दो तीन मिनट में तो मैं पूरी बात कह नहीं सकती हूँ। व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार ने लिया, उसको साल में 12 रुपया जमा करने के बाद परिवार को, कदाचित मुखिया नहीं है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपया मिले। दूसरा है किसानों के लिए भी, अभी आपने सुना होगा कि अभी हमारी सरकार ने एक एमएसपी जारी किया जिसमें गेहूं, जो मोटा अनाज है, दाल है, दलहन है, तिलहन है, ज्वार और बाजरा, इसकी कोई कीमत नहीं होती थी, उसकी कीमत बढ़ाई। 2014 के पहले किसानों को खाद के बदले लाठियां मिला करती थी, 4 सालों में कहीं भी कोई ये दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि वो खाद काला बाजारी में जाती थी, हमारी सरकार ने उसको नीम कोटेड कर दिया, अब किसी में उपयोग हो नहीं सकती किसानों के अलावा। दूसरा, यदि हम देश के विकास के साथ साथ बाहर के लिए हम यदि नजरिया एक बार डालें, नजर डालें, तो आज भारत का जो सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति के कारण। आज इस देश में कोई भी उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं होता था, हमारी सरकार ने माहौल बनाया। मैं सपोज उत्तर प्रदेश को भी कह सकती हूँ, जिस मंत्रालय की मैं मंत्री हूँ, जब से सरकार बनी मैं मंत्रालय में लगातार, यदि भी मेरा कोई सरकार और किसकी सरकार ये नहीं था, मैं स्वयं अखिलेश से जाकर के मिली थी कि कम से कम इतने बड़े स्टेट में, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, ये छोटे छोटे राज्यों में, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ फ्रूट प्रोसेसिंग के यूनिट गई,
मैंने कहा कि कम से कम इन्वेस्टरों को बुला करके आप कुछ करिए, हो सकता है कि उनकी इच्छा शक्ति न रही हो कि क्रेडिट भाजपा को जाएगा। मैं बधाई देना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि एक साल के अंदर अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट किया और वो अभी आपने देखा 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी गए 28 को, उसका बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास भी किया। मैं अपने क्षेत्र के लिए बोलूँ, हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की इतनी खराब स्थिति, मेरा क्षेत्र नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम ही नहीं ज़्यादा किया गया था। हमारी सरकार ने तय किया कि हर 3 संसदीय क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज होगा। मैं बधाई देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को कि नीति आयोग के द्वारा उस जनपद को भी सर्वे करवाया कि जनपद कितना भी पीछे है, पीछे की कैटागरी में उत्तर प्रदेश में 8 जनपद जिनमें मेरा फतेहपुर, उसके तहत मेरे जनपद को मेडिकल कॉलेज, मेरे जनपद को रेल पार्क, मेरे जनपद को सेंट्रल विद्यालय। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी सरकार जो भी जनपद या गांव तक, यहाँ तक कि गांव पिछड़े जनपदों में गांवों को भी चयनित किया, उन गांवों को भी हम अन्य ग्राम पंचायतों की कैटागरी में लाएं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि चाहे स्वच्छता का हो, चाहे आवास का हो, चाहे दुर्घटना बीमा का हो, चाहे सुकन्या समृद्धि, इतनी योजनाएं हैं कि मैं 2-3 मिनट में आपके सामने पूरी नहीं रख सकती हूँ। इतने कह सकती हूँ कि विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए आप देख रहे हैं कि जिनका कोई मेल नहीं, जोल नहीं, कोई संविधान उनका जो एक उनका एक मैनिफेस्टो होता है वो भी नहीं मेल खाता, गठबंधन कर रहे हैं इसलिए वो जनता के हित में नहीं, देश के हित में नहीं, किसानों के हित में नहीं, अपना अस्तित्व बचाने के लिए कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपसे चुके कि आप महिला भी हैं, जानना चाह रहा था कि संसद में महिला आरक्षण बिल बहुत दिनों से लंबित है और मैं पिछले 4 साल से बात कर रहा हूँ कि उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है और उसको लाने की लिए कोई भी पार्टी जोर नहीं लगा रही, ऐसा क्यों? देखिए, हमारी सरकार महिलाओं के, हमारा संगठन और सरकार, पहली बात तो हमारी संगठन ने 50% महिलाओं की भागीदारी पहले सुनिश्चित कर दिया है। अब ये सवाल आप मुलायम सिंह लालू और इन लोगों से पूछिए कि इसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध तो यही लोग कर रहे हैं, हमारी पार्टी तो चाहती है। यदि आप देखा कि 3 तलाक के मुद्दे पर सारे के सारे इकट्ठे हो गए राज्यसभा में, क्या उन महिलाओं का अधिकार नहीं है स्वतंत्रता से जीवन यापन करने के लिए? क्या उन महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? हाँ, वोट बैंक के कारण किसी महिला का अधिकार दिलाने में रोक लगाने का काम कांग्रेस ने किया है सावानो प्रकरण में, तो वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें ना कि महिलाओं के हक में कितने खड़े हैं। एक और मुद्दा भी चल रहा है आरसी का, तो उस पे जो 40 लाख का सामने, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि 40 लाख लोगों की नागरिकता खत्म हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि मुद्दे? देखिए, मुझे लग रहा है कि विपक्ष गैर जिम्मेदाराना पार्लियामेंट को, सदन को बाधित करना, हमारी सरकार और का स्पष्ट मत है, उनको समय दिया गया है। अब उसमें जब सर्वे होता है तो उसमें तो हमारे कई पूर्व विधायक भी नहीं, उनका नाम मिला है, तो एक समय दिया गया है कि आप अपना आवेदन करके, अपना साक्ष्य प्रस्तुत करके आप अपना करिए कि हम भारत के रहने वाले हैं। लेकिन ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि जो बाहर से आ रहे हैं, हमारे देश में वैसे भी जनसंख्या है, चाहे वो बांग्लादेशी हो या बर्मा का हो या कहीं का हो, चाहे पाकिस्तानी हो, हमारे देश में जो बाहर से आ रहे हैं तो हमारे देश के नागरिकों की जो सुविधाएं हैं कहीं ना कहीं उनका अधिकार छीना जाता है। आपसे अंतिम सवाल, 2019 का चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो क्या लगता है कि भाजपा सरकार फिर उसी ताकत से? देखिए, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर से हमारे यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि हमने काम किया है। जो जिन्होंने काम नहीं किया था, आज वो गठबंधन करके हमारे सामने आ रहे हैं, आए हम जनता के बीच में काम के बल पर जाएंगे। अपने अपने क्षेत्र में हमने काम किया है, तो मैं इतने कह सकती हूँ कि हम लोग काम के बल पर, विकास के मुद्दे पर जा रहे हैं। अब इनको कोई मुद्दा नहीं मिला तो नरेंद्र मोदी रोको, इनको और कोई मतलब नहीं है। और मैं एक बात और कह सकती हूँ कि उन्हें एक सवाल ईवीएम पर खड़ा कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए, जब अखिलेश की सरकार बनी पूर्ण बहुमत की, किसकी वोटिंग हुई? मायावती की सरकार बनी किसकी वोटिंग? ममता जी पश्चिम बंगाल में बैठी हैं,
पंजाब में केजरीवाल स्वयं यहाँ इतने पूर्ण, और यदि ईवीएम में खराबी होती तो इतने हम जो उपचुनाव हारे हैं लोकसभा के, तो हम वो विपक्ष कैसे जीतता। तो मुझे लग रहा है कि जहाँ इनका अनुकूल नहीं पड़ता वहाँ चाहे कोर्ट हो चाहे ईवीएम हो चाहे जनादेश हो वो उसके आलोचना करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है। देश में एक प्रजातांत्रिक देश है, अब जिनका कोर्ट उनके हक में हो जाए तो कोर्ट अच्छा है, और कोर्ट यदि विपरीत चला गया तो न्यायपालिका के ऊपर भी सवाल खड़ा करते हैं। धन्यवाद आपको, थैंक यू।